नमस्कार दोस्तों, तो आज आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मकान का पूरा प्रीव्यू, उसका डिज़ाइन और उसमें लगने वाली लागत के बारे में। तो दोस्तों, ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये आपका 2000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हो रहा है। ये बनता हुआ घर का मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये मकान 2000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी लागत के बारे में भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कितना खर्चा आएगा, पूरा फिनिशिंग खर्चा और इसमें प्लास्टर तक का खर्चा भी बताने वाला हूं। अगर आप भविष्य में कभी भी मकान बनाना चाह रहे हैं या फिर बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत कुछ जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए आए हैं। तो बात करते हैं इस मकान के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको जो है डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा इस पोर्टिको के बारे में। तो आप सामने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका एक सुंदर पोर्टिको है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जा रहा है, और मैं पूरी तरीके से जो है पूरा राउंड शेप में आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या डिज़ाइन किया गया है, मिस्त्री के द्वारा क्या कारीगरी किया गया है। जिसको आपको दूर से देखिएगा तो ये मकान का प्रीव्यू जो है, जो डिज़ाइन है, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला है आपको। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका सामने फ्रंट का लुक है, तो बहुत अच्छा लुक है, ठीक है। अगर आप सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का घर बना सकते हैं। अंदर में भी बहुत तरीके का जो डिज़ाइन है दोस्तों, वो आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरत तरीके से जो कारीगरी किया गया है मिस्त्री के द्वारा, और इसका जो इंजीनियरिंग है बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से सामने से। सबसे पहले बात करता हूँ कि इस विंडोज़ के बारे में और ये आपका सामने पोर्टिको के बारे में। तो पोर्टिको का जो डिज़ाइन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो है इसको राउंड शेप में किया जा रहा है। इसको बाद में जो है प्लास्टर जब किया जाएगा, उसको और सुंदर तरीके से इसको जो है निखारा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लास्टर के टाइम में उसको और अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन किया जाता है, आप देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से इसका जो फिनिशिंग, प्लास्टर के बाद भी और एक वीडियो लेके मैं आऊँगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है मेरे इस चैनल के माध्यम से। नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं ये सामने का विंडो का डिज़ाइन, ठीक है, ये आपका राउंड शेप में किया गया है, थोड़ा सा ट्रायंगल लुक भी आपको लग रहा है, ठीक है। देखिए ये ब्रिक्स की सहायता से इसको जो है राउंड शेप में ये विंडो का निर्माण किया गया है। यहाँ पर विंडो आप देख सकते हैं, ये पहला रूम है, ठीक है, जो कि आपको रोड साइड की ओर ये विंडो खुलने वाला है, खिड़की इसका, ठीक है। जो डबल विंडो का जो लुक है आप देख सकते हैं, डबल विंडो है जिसमें आपका फ्रंट का लुक लाने के लिए इसको जो है डिज़ाइन किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये पोर्टिको, एक बड़ा सा पोर्टिको आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पोर्टिको का निर्माण, और सामने आप देख सकते हैं एक राउंड शेप में जब आप इंटर करते हैं, जो आपका मेन गेट है, दरवाज़ा है, ठीक है, उसमें जो है ये किया जा रहा है। ये 7 फीट का हाइट में ये किया गया है, ठीक है, 7 फीट बाई 6 फीट ये आपका चौड़ाई है, और ये आपका जो लंबाई है वो आपका 7 फीट में है। इसका जो गेट लगने वाला है बहुत ही स्टैंडर्ड गेट लगने वाला है, उसमें आपका जो फ्रंट का जो डिज़ाइन है और निखर के सामने आएगा, ठीक है। जैसे ही इंटर करते हैं रूम में, आपको इंटर करने के बाद एक पहला रूम लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप गेस्ट रूम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं डबल विंडोज़ में, क्योंकि जो डिज़ाइन है विंडो का बहुत ही बेहतरीन किया गया है, ठीक है। ये रूम साइज़ जो है 15 फीट बाई 8 फीट में रखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसका लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, चौड़ाई कम रखा गया है, ठीक। उसके बाद बात करता हूँ मैं सेकेंड रूम के बारे में। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका सेकेंड रूम है, इसका ये थोड़ा बड़ा रखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये आपका 11 बाई 13 फीट में बनाया गया है, देख सकते हैं डबल विंडो, इसमें भी अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये आपका टोटल 2 रूम हो गया। उसके बाद आप देखने को मिलेगा आपको ये स्टेयर्स के बारे में। स्टेयर्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, और सामने आपको जो गैपिंग है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कोई दूसरे काम के लिए, जैसे इन्वर्टर हो गया, बैटरी वगैरह रखने के लिए वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 लेयर में इसका स्टेयर्स का निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ से आप लुक देख सकते हैं दोस्तों। सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है इसमें, इस मकान में लुक, इसका जो किया गया कारीगरी, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से लुक आपको बहुत ही बेहतरीन लगता होगा। ये आपका जो है ये एंट्री गेट और ये छोटा सा गली, ठीक है,
जो कि आपका 7-7.5 फीट में ये गली है। आपको जैसे अंदर आते हैं सामने आपको और एक गेट देखने को मिल रहा है, दरवाज़ा, वहाँ से वहाँ पे भी आप चाहेंगे तो गेट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप दो रूम के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपका तीसरा रूम है। ठीक है, इसका भी साइज़ जो है 15x13 में रखा गया है। ठीक है, 15x13 मतलब सब जितने भी रूम हैं सबका अलग अलग साइज़ है। ठीक है, आइए, रहा सबसे बड़ा जो बेहतरीन चीज़ है इसमें, ये हॉल के बारे में। दोस्तों ये देख सकते हैं अटैच आपका हॉल में जो है विंडोज़ रखा गया है, जो कि अच्छी तरीके से डिज़ाइन में रखा गया है। ठीक है, ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, हॉल का भी जो साइज़ है वो भी बड़ा रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग ये 17 फीट में रखा गया है, और आपका जो चौड़ाई है ये आपका 11 फीट है। ठीक है, 17x11 का हॉल है, बड़ा हॉल रखा गया है। और यहाँ पर आप सामने देखेंगे ये बाथरूम के लिए, कॉमन बाथरूम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दो आपको जो है देखने को मिल रहा है, ये कॉमन बाथरूम के लिए, दो बाथरूम के लिए इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो साइज़ है दोस्तों ये आपका लगभग 6.5 फीट का हाइट है। आपका दरवाज़ा का जो गेट का साइज़ है वो आपका लगभग 6.5 से 7 फीट के अप्रोक्स में है। ठीक है, चौड़ाई जो है 3.5 फीट है। इसका भी सेम एरिया है, ये भी देख सकते हैं, बाथरूम के बारे में ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसकी लागत के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। बाद में बहुत तरीके से आपको वीडियो मिलने वाला है मेरे चैनल पे, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा जानकारी के लिए। ये आपका 4th रूम है दोस्तों। ठीक है, 4th रूम का भी साइज़ आप देख सकते हैं, सेम रखा गया है, लगभग ये 11x13 फीट में इसके रखा गया है। और ये आपका 5th रूम है। ठीक है, ये 5th रूम है, ये थोड़ा बड़ा में रखा गया है। ठीक है, ये भी आपका 17x13 में रखा गया है। ठीक, सब मतलब अलग अलग साइज़ में रखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम साइज़ का रखा गया है, ये आपका 6th रूम है। सॉरी, इसमें जो रूम की जो संख्या है वो आप मान लीजिए, यहाँ पहला रूम है, ये 2nd रूम है, ये आपका 2 कॉमन बाथरूम, 3rd रूम, 4th रूम, 5th रूम। ठीक है, टोटल इसमें 5 रूम देखने को मिल रहा है। और ये आपका जो 6th रूम मैं बोल रहा था, ये आपका जो है ये किचन के रूप में यूज़ किया जाएगा इसे। ठीक है, तो इधर आपका 2 रूम देखने को मिल रहा है, और ये आपका कॉमन बाथरूम, और उधर 3 रूम, टोटल 5 रूम और किचन, कुल मिला के 5 BHK के रूप में इसे बनाया जा रहा है। और ये आपका सामने जो है ये आपका इमरजेंसी एग्जिट डोर। ठीक है, कुल मिला के जो है इसका डिज़ाइन के तौर पर, और ये जो इसका जो लैंड है 2000 स्क्वायर फीट से कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो लागत अभी तक जो आया है, प्लास्टर तक जो खर्चा आएगा इसमें, लगभग 17 लाख रुपए तक आ चुका है अभी तक, क्योंकि इसमें जो सरिया है वो अच्छे क्वालिटी का सरिया लगाया गया है। इसका जो ब्रिक्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे क्वालिटी का लगाया जाने के कारण से इसका जो स्पेंट है, इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 17 लाख रुपये तक अभी तक जो खर्चा है अभी तक आ गया है, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट में आपको 15 लाख तक में हो जाना चाहिए था, इसमें 17 लाख रुपए आ चुका है। उसके अलावा फिनिशिंग तक दोस्तों इसमें 25 लाख रुपए से ज़्यादा होने वाली है, 25 से 27 लाख के बीच में होने वाली है दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं सामने आपके लेफ्ट साइड के विंडोज़ के बारे में, ये देख सकते हैं सब में अलग अलग डिज़ाइन इसमें किया गया है दोस्तों। ठीक है, टोटल आप 4 विंडो देख सकते हैं इधर, ये 5वां ये 6ठा, उसी तरह 4 विंडो आपको उस साइड में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।